आज हमारे चैनल फिटर नॉलेज बाई अरुण सर द्वारा हिंदी के वर्णमाला के मुख्य प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ण। वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया है वर्णमाला कहते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर तीन, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियों के लिए पांच वर्ग होता है। पहला क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग, पांचवा प वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ ङ आता है तथा च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ इयाँ आता है। ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ ळ तथा त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न, प वर्ग के अंतर्गत प फ ब भ म होता है। क वर्ग जो होता है कंठ से, क वर्ग कंठ से, त वर्ग तालव्य होता है, ट वर्ग मूर्धन्य होता है, त वर्ग दंत्य होता है तथा प वर्ग ओष्ठ होता है। क वर्ग कंठ, च वर्ग तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत, प वर्ग ओष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर तीन में कंठ ध्वनियाँ पूछा गया है तो पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, क ख। अगला है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ड ढ, क्योंकि मूर्धन्य के अंतर्गत ट ठ ड ढ ळ होता है। क्वेश्चन नंबर पाँच, अल्प प्राण कौन से होते हैं? अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर होता है तथा सभी अर्धस्वर य र ल व अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क और ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छः, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सात, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य। क्वेश्चन नंबर आठ, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अंग अ। हिंदी क्वेश्चन नंबर नौ, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिल्ली, जब कहीं बड़े अक्षर के साथ उसके पहले आधा अक्षर आता है तो द्वितीय व्यंजन होता है। क्वेश्चन नंबर दस, स स स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा संघर्षी। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, क्वेश्चन नंबर ग्यारह, निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसका ऑप्शन क्वेश्चन इसका ऑप्शन ए ख ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बारह, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा तथा सभी स्वर और अर्ध स्वर यानी कि य र ल और व घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा तो क्या हो जाएगा इसमें? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म, क्योंकि म
प वर्ग के अंतर्गत आता है प फ ब भ म, तीसरा चौथा पांचवा यानी पांचवा अक्षर म है, इसलिए आंसर म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण भ होता है। क्वेश्चन नंबर 14, क ग ज फ ध्वनियाँ कौन सी हैं? यह ध्वनियाँ अरबी फारसी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं तथा कुल स्वरों की संख्या 11 तथा व्यंजनों की संख्या 33 होती है। क्वेश्चन नंबर 16, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? छ त्र ज्ञ और स्र, छ त्र ज्ञ और स्र संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं ये चारों अक्षर। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा क। क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ज धन इया। क्वेश्चन नंबर 19, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और सभी उष्म व्यंजन, यानी कि उष्म व्यंजन के अंतर्गत स स स ह आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और उष्म व्यंजन स स ह अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका ऑप्शन घ बी हो जाएगा, बी कंठ, क ख ग घ अंग कंठ होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत छ त्र ज्ञ आता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा ज्ञ। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ट, क्योंकि दंत के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? त थ द ध और न। क्वेश्चन नंबर 23, जिन शब्दों के अंत में अकारांत आता है वह अ वाले होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 23, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन हो जाएगा डी अकारांत। क्वेश्चन नंबर 24, छ वर्ण किसके योग से बना होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला क धन खटखोड़ स, लेकिन हलंत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या क्या होती है? हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर 11 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इय। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी घ, क्योंकि घ क वर्ग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।